हेलो दादाजी, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हुई है और मैंने सोचा कि आज ही आकर आपसे मुलाकात करूँ। हेलो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो। और छुट्टियाँ चल रही है तो नया कुछ करने का आपने सोचा ही होगा। हर बार आप नए एडवेंचर कैंप में जाते हो, तो इस साल कहीं वहीं जाने का इरादा तो नहीं है? और बताओ, बाकी सब कैसे चल रहा है? दादाजी, क्या आप मुझे वो कविता सुनाएंगे? जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था तो हिंदी की एक कविता थी ऊँट के बारे में, जिसे सुनकर मैं बहुत खुश होता था। तो क्या आज उसे दोबारा आप मुझे प्लीज़ वो कविता सुनाएंगे? प्लीज़ दादाजी, मना मत कीजिएगा। आज मैं वो कविता फिर से सुनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सुनाएंगे? ज़रूर बेटा, क्यों नहीं। वो कविता मुझे अभी भी याद है। तुम नहीं भी रहते हो तो अक्सर वो मुझे याद आती है, क्योंकि वही तुम्हारे बचपन के दिन थे जिसमें तुम्हें काफ़ी मज़ा आता था वो कविता सुनने के लिए। तो मैं अभी वो कविता सुनाता हूँ, लेकिन रुको थोड़ी देर, मैं सोचता हूँ, मुझे थोड़ा याद तो करने दो। थैंक यू दादाजी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी बात मान ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, उस कविता का नाम था ऊँट चला, और उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊँचा ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ उठाए ऊँट चला, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। हिलता डुलता ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। हिलता डुलता ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। हिलता डुलता ऊँट चला। तो बेटा, इस प्रकार इस कविता में ऊँट का वर्णन किया गया है। ऊँट बहुत ऊंचा होता है, उसकी गर्दन भी ऊंची होती है, और ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। ज़्यादातर ऊंट रेगिस्तान में ही देखे जाते हैं। इस प्रकार इस कविता में हमें ऊंट का वर्णन सीखने को मिलता है।